Assalamu alaikum. Good evening, dear students of sixth semester Kashmir University. Actually, my motto of making this video is to say you some points about the examination. Before you will attempt the examination, please note down these points. I hope that these will be helpful for you. First of all, I wish all of you that may all of you succeed in your life, not only in this examination but throughout your life. May you succeed here after also. The first important point is that first of all, you should reach the examination hall at proper time. यानी कि examination hall पर अपने वक्त पर पहुँचना चाहिए. वहाँ पहुँचने के बाद यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. फिर आपको वहाँ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होंगे तो उसी के बारे में आपको कहना है कुछ कि आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, वहाँ क्या करना है. सबसे पहले आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ राइट दोज क्वेश्चंस फर्स्ट अपॉन विच यू हैव द फुल होल्ड. यानी कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से आते हैं पहले उन्हीं को लिखो, क्योंकि ये कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. एंड सेकंड वन इज दैट राइट द क्वेश्चंस इन प्रॉपर स्ट्रक्चर इन प्रॉपर ऑर्डर. मिसाल के लिए आपने यहाँ थोड़ा आपको इंग्लिश के बारे में कहूँगा तो बाकी सब्जेक्ट पर भी यही अप्लाई करना है. यानी कि जिसके जितने मार्क्स होंगे वो इतना बड़ा लिखना है. मिसाल के लिए यहाँ आपको शार्ट क्वेश्चन होते हैं उसके ओनली होते हैं 3 मार्क्स. 3 मार्क्स में आपको यहाँ उन्होंने खुद ही लिखा है कि आपको 20 वर्ड्स में लिखना है. आप कोई लिखेगा 200 वर्ड्स तो उसको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, मुझे लगता है कम ही मिलेंगे. तो इसी तरह मिसाल के लिए यहाँ मीडियम टाइप क्वेश्चन हैं वो 150 वर्ड्स में लिखने हैं. आप कोई लिखेगा 300 वर्ड्स. तो टाइम का भी ख्याल रखना होता है क्योंकि आपको मतलब यहाँ अगर हम देखेंगे 1 घंटे का पेपर है ये, टाइम का भी ख्याल रखना. तो और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं मिसाल के लिए यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको इंग्लिश में करना है, वो आपको लिखना है 300 वर्ड्स का. अगर आप वहाँ लिखेंगे तो वहाँ ठीक है, तो इसका ख्याल रखना होता है. बहुत सारे बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें कम लिखते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इनमें ज़्यादा लिखते हैं. इसका ख्याल रखना है हर किसी पेपर में. और यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर एग्जाम्पल यहाँ ए सेक्शन है, एक सेक्शन में आपको यहाँ इंग्लिश में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं 4 के 4. मिसाल के लिए अगर किसी जगह आपको 2 ही करने होंगे, अगर आप 4 के 4 करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे. इससे बेहतर है कि आप 2 ही क्वेश्चंस अच्छे तरीके से लिखेंगे. इसी तरह मिसाल के लिए यहाँ मीडियम टाइप क्वेश्चंस, यहाँ आपको अल्टरनेटिव चॉइस होगी. यानी कि वहाँ 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 में 1 ही करना है आपको. पहले क्वेश्चन में 2 होंगे 2 में 1, इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में 2 होंगे 2 में 1. अगर आप दोनों करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है. इससे बेहतर है कि आप एक ही क्वेश्चन अच्छे तरीके से लिखेंगे. अब है लॉन्ग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ 8 मार्क्स का है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ये अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि 8 में अगर हम कम अज़ कम देंगे तो 7 तो मिले हींगे. और आपको एक बात याद रखनी है, प्लीज़ रिमेंबर दिस दैट ट्राई टू अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. हर कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए. बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चन लेफ्ट आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इवैल्यूएटर होता है वो चाहता है कि बच्चा पास होना चाहिए, मगर कुछ ना कुछ आपने तो लिखा भी होना चाहिए. और बदकिस्मती से ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं, इससे इवैल्यूएटर को परेशानी होती है. फिर सीधी सी बात है, उसको थोड़ा गुस्सा भी आता है. इसीलिए हर किसी पेपर में क्वेश्चन नंबर लिखना ज़रूर है. जो वहाँ क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर होगा वही आपको लिखना है, अपना नहीं. मिसाल के लिए आपने कोई क्वेश्चन वहाँ कोई क्वेश्चन नंबर 10 है पेपर पर, आपने वो पहले लिखा तो आप लिखें क्वेश्चन नंबर 1, नहीं, आपको वहाँ लिखना है क्वेश्चन नंबर 10 अगर वो क्वेश्चन नंबर 10 है. इसी तरह आपको क्या करना है, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी कि आपको ख्याल रखना है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस उसमें कितना लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चंस में कितना लिखना है. अब मैंने आपके लिए यहाँ गेस बनाया है, इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे गेसेस दिए हैं. तो अब मैंने शॉर्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा नहीं सर मतलब टू द पॉइंट गेस होना चाहिए. थोड़ा मुझे लग रहा है कि अगर 100% यहाँ नहीं मिलेगा, कम से कम 60-70% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मिलेगा, ज़रूर आएगा 60-70%. फिर मैं दिखाऊँगा है या नहीं.
ये क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन सी योरसेल्फ, मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर करूंगा, तो यहां से भी आप देख सकेंगे। तो ये बहुत आसान है, अब आप खुद ही देखेंगे यहां। अगर मैं अब इनको मतलब यहां रिपीट करूंगा तो फ़ायदा नहीं है, यू विल सी योरसेल्फ। तो आई होप दैट यू विल डू वेल इंशाल्लाह, थैंक्स। आप अलग बात है कि आप लोग तो सपोर्ट ही करते हैं, मैंने आपका सपोर्ट पहले से ही किया, मुझे लग रहा है फर्स्ट सेमिस्टर से ही। आपके लिए मैंने कितना किया है वो आपको खुद मालूम है। आपके लिए मैंने गाइडेंस, नोट्स, गेस्ट पेपर्स, वीडियो लेक्चर्स, तो आपको मालूम है कि मेरे चैनल का नाम है डियर स्टूडेंट सलीम सर, यानी कि एक वेबसाइट थी जिसका नाम था www.jkscore.com, अब मैंने और एक की है www.englishforallonline.com, जिस पर इंग्लिश का हर कोई मटेरियल अवेलेबल होगा। मुझे उम्मीद है आपसे कि अब आप फाइनल ईयर में हैं, अब इंशाल्लाह आप यूनिवर्सिटी में होंगे नेक्स्ट ईयर। मुझे उम्मीद है दैट यू विल सपोर्ट मी, दैट यू विल शेयर एंड यू विल सेंड योर फीडबैक। थैंक्स टू मच, थैंक्स, टेक केयर ऑफ योर पेपर्स एंड योर लाइफ। थैंक्स टू मच, थैंक्स।